आरसीए आयोजित कर रहा अंडर 19 चयन ट्रायल, आरसीए एकेडमी में ये ट्रायल चल रहा है। जयपुर के खिलाड़ियों की केएल सैनी स्टेडियम पर ट्रायल हो रही है और इसी खबर पर हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, ट्रायल शुरू हो चुका है? बिल्कुल, देखिए मेघा, जो राजस्थान के अंडर 19 टीम चुनी जानी है उसके लिए आरसी एकेडमी पर चयन ट्रायल चल रहा है। ये ट्रायल कल शुरू हुई थी और कल हमने देखा था कि हंगामेदार स्थिति थी, कई जो खिलाड़ी है वो अपनी ट्रायल नहीं होने के कारण और उनके परिजनों ने यहाँ पे विरोध किया था। लेकिन उसके बाद आरसी प्रबंधन ने फैसला लिया था कि जो खिलाड़ी कल आए थे तमाम, चाहे वो दूसरे जिलों से हो या जयपुर के हो, उन सभी की यहाँ पर ट्रायल आयोजित कराई जाएगी। अब जहाँ तक हम बात करें आपको कि आरसी एकेडमी पर जो ये ट्रायल चल रही है और जो जयपुर के जो अतिरिक्त खिलाड़ी थे जो कि कल ट्रायल नहीं होने के कारण अपनी नाराजगी जता रही थी, उनके लिए भी आरसीए ने फैसला किया है कि केएल सैनी स्टेडियम पर उनकी भी दोपहर बाद में ट्रायल आयोजित की जाएगी और इस ट्रायल के आधार पर राजस्थान की जो अंडर 19 टीम है वो चुनी जाएगी एक जो अभ्यास मैच कराने के बाद। जहाँ तक आरसीए के हम बताएं आपको, देखिए पूरा प्रोसीजर यहाँ पर अपनाया गया है। जो भी खिलाड़ी प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हैं, अभी जोधपुर के खिलाड़ी आए हुए हैं, उनके पहले यहाँ पर कागजात है वो चेक किए जा रहे हैं, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो, खासकर उनके निवास को लेके, उनके एज को लेके, इनको जांच करने के बाद इनके ट्रायल हो रही है। और इससे पहले अगर हम बताएं तो देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे खिलाड़ी आपको दिखाते हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये खिलाड़ी है वो प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, लाइन में लगे हैं, कतारबद्ध है। जैसे ही इनका नाम आगे पुकारा जाएगा सबसे पहले इनके जो कागजात है वो चेक होंगे और साथ में जब इनका एज वेरिफिकेशन हो जाएगा कि ये अंडर 19 है यानी 19 वर्ष से कम उम्र के हैं, तभी इनको आगे ट्रायल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। और जब सारी ये प्रक्रिया जो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे नेट्स लगाए गए हैं जिन पे जूनियर चयनकर्ता मौजूद है और एक एक करके जो खिलाड़ी है उनकी यहाँ पे उनके टेस्ट किया जा रहा है एक तरह से कि उनमें कितनी प्रतिभा है, किस तरह से जो खिलाड़ी है वो आगे चल के राजस्थान टीम में चयन होने योग्य है या नहीं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो नेट्स बनाए हैं उन नेट्स में सेलेक्टर्स भी है, खिलाड़ी भी है, हर एक का जिस तरह का खिलाड़ी अपनी चॉइस बताता है कि जो खिलाड़ी है वो बैटिंग करना चाहता है या बॉलिंग करना चाहता है या विकेट कीपिंग करना चाहता है उसके अनुसार ही यहाँ पे उसका टेस्ट किया जा रहा है और एक एक खिलाड़ी को यहाँ पे परखा जा रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही खिलाड़ी का नंबर आता है उसके बाद उनको यहाँ पे बुलाया जाता है, जो चयन करता है वो यहाँ पे मौजूद है, एक एक खिलाड़ी को यहाँ पे देखा जा रहा है। नरेश, यानी कि दोनों प्रोसेस साथ चल रही है, एक तरफ जो ट्रायल के लिए खिलाड़ी आए हैं उनके लिए जो वेरिफिकेशन है, जो पेपर्स हैं उनके, वो चेक किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये ट्रायल भी चल रहा है क्योंकि कई सौ जो खिलाड़ी है वो आए होंगे अलग अलग जिले से। तो ये ट्रायल कब तक चलेगा, क्या आज ही में ये खत्म हो जाएगा या एक दो दिन चलने वाला है? देखिए मेगा, पहले यही था कि दो दिन के ट्रायल होगी 24 और 25 अगस्त को, लेकिन चूंकि खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा है, ट्रायल देने वाले जो खिलाड़ी है वो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं, करीब जो अनुमानित खिलाड़ी जो थे उनसे भी 300 खिलाड़ी ज़्यादा यहाँ पे आए हैं, तो आरसी चाहता है कि जो भी खिलाड़ी ट्रायल देना चाहता है उनको पूरा मौका मिले। ऐसे में लगता नहीं कि आज ये ट्रायल खत्म हो जाएगी, इस ट्रायल को अभी आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि अभी तो जो कुछ ज़िले हैं उनके खिलाड़ियों की ट्रायल होना बाकी है। जयपुर के खिलाड़ियों की ट्रायल है वो दोपहर बाद शुरू होगी केएल स्टेडियम पर, तो लगता है कि कल तक ये ट्रायल पूरी होगी और उसके बाद जो संभावित खिलाड़ी है उनका चयन किया जाएगा और उसके आधार पर फिर आगे प्रक्रिया चलाई जाएगी कि किस तरह से राजस्थान की टीम है उसका चयन किया जाना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि कल जिस तरह से यहाँ हंगामेदार स्थिति थी और ये माना जा रहा था कि जो पुलिस को बुलाया गया था और ये माना जा रहा था कि कहीं स्थिति बिगड़ ना जाए, तो चूंकि जैसे ही खिलाड़ियों की बात है वो आरसी प्रबंधन तक पहुंची और आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत तक पहुंची, तो उन्होंने फैसला किया है कि जो भी खिलाड़ी ट्रायल देने आए हैं उन सभी की यहाँ पे ट्रायल ली जाए। उसके बाद तमाम जो खिलाड़ी जो कि वंचित रहे थे कल, उन सबको आज भी बुलाया जा रहा है और एक एक करके, जैसे मैंने अभी आपको पूरी प्रक्रिया दिखाई कि किस तरह से ट्रायल है, उस ट्रायल का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। तो ये आरसीए अकादमी के अभी हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं लगातार। और दूसरी तरफ जो ट्रायल, जैसे मैंने कहा, जयपुर के खिलाड़ियों की ट्रायल है वो केएल सैनी स्टेडियम जो मानसरोवर में स्थित है वहाँ पर होगी। तो एक बार फिर एक तस्वीर आपको दिखा दें किस तरह से प्रदेश के जो युवा खिलाड़ी है वो
अपने भविष्य को संवारने के लिए, भविष्य को बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, और उनको उनको ये उम्मीद है कि जब यहाँ चयनकर्ता उनकी प्रतिभा को देखेंगे, उनकी ट्रायल लेंगे, तो उसके बाद ज़रूर उनको राजस्थान की टीम में मौका मिल सकता है। और इसके लिए आरसीए की जो जूनियर चयन समिति है, जो हाल ही में नई बनी है, वो चयन समिति के सदस्य है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, नेट पर मौजूद है। हर एक खिलाड़ी जो है उनका उनका वो पूरी रिकॉर्ड यहाँ पर रख रहे हैं कि जो खिलाड़ी नेट पर किस तरह का यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर पा रहा है, और उसके आधार पे ही उनको आगे का जो कदम है उनका बढ़ाया जाएगा कि अगले स्टेप में उनको ले जाया जाए। उसके बाद दो तीन लेवल के बाद में पूरी छटनी की जाएगी, और फिर एक जो कहा जा सकता है हर तरह से जो एक बेहतरीन खिलाड़ी है उसको ही संभावित में शामिल किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से एक लंबे समय बाद आरसीए के मैदान पे एक रौनक लौटी है, क्रिकेटर लौटे हैं, ये भी अपने आप में सुखद खबर है, क्योंकि कोरोना काल के कारण से यहाँ क्रिकेट लगभग बंद थी, और अब चूंकि जूनियर जो क्रिकेट है वो शुरू हो रही है, यहाँ पे सीनियर क्रिकेट कोलविन शील्ड है वो अगले महीने से शुरू हो रही है, तो ये कहा जा सकता है कि अगले जो 3-4 महीने हैं यहाँ आरसीए के जो क्रिकेट मैदान हैं उन पर रौनक रहेगी। जो यहाँ प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो अपनी प्रतिभा का लोहा मनाएंगे, और उम्मीद की जा रही है कि इन्हीं में से कुछ खिलाड़ी भारत के लिए भी खेलते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, उम्मीद तो बहुत है, आशा है कि ये जो खिलाड़ी यहाँ आए हैं ट्रायल देने के लिए उनमें से कुछ जो हैं भारत के लिए खेलेंगे भी। नरेश, एक तो सवाल आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिन जयपुर के खिलाड़ियों का ट्रायल चल रहा है वो कितने खिलाड़ी आए हैं, दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो ये ट्रायल चल रहा है स्टेडियम में, क्या डिवाइड किया गया है कि जोधपुर के और अलग अलग जगहों के, श्रीगंगानगर के आज होंगे, जिले वाइज डिवाइड किया गया है डे को? बिल्कुल मेघा, देखिए हर ज़िले से कुछ खिलाड़ियों को बुलाया गया था, और कुछ ज़िलों के जो खिलाड़ी हैं उनकी ट्रायल कल हो चुकी है, जो बाकी बचे ज़िले हैं उनकी आज ट्रायल चल रही है। जैसे मैंने कहा कि अभी जोधपुर से भी खिलाड़ी है, उनकी ट्रायल होनी बाकी है, तो एक एक करके उनको बुलाया जा रहा है। और जहाँ तक आपने जयपुर की बात की, तो देखिए जयपुर के जो खिलाड़ी है वो पहले चरण में करीब 50 खिलाड़ी आए थे जिनको यहाँ पर ट्रायल के लिए बुलाया गया था, लेकिन कल अतिरिक्त खिलाड़ी भी आए थे जिनकी संख्या भी करीब 100 के लगभग है, वो भी चाहते थे कि उनकी भी ट्रायल हो, तो उन खिलाड़ियों की ट्रायल केएल सैनी स्टेडियम पे होगी जो मानसरोवर पे हैं, दोपहर बाद वहाँ पे ट्रायल शुरू होगी। और यहाँ अगर बात करें तो जिले के हिसाब से, हर एक जिले के हिसाब से यहाँ खिलाड़ियों की ट्रायल हो रही है, और उन खिलाड़ियों को एक कोड नंबर दिया जा रहा है, उस कोड नंबर के आधार पर उनकी ट्रायल हो रही है, यानी चयनकर्ता जो है उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि इस खिलाड़ी का नाम क्या है, हर खिलाड़ी को एक कोड जो दिया गया है उसके आधार पर वो उसकी परफॉर्मेंस है वो आँक रहे हैं, और उसके बाद जब टैली होगी उसके बाद खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। तो जो क्योंकि देखिए प्रदेश की अगर हम बात करें, हर ज़िले में खिलाड़ियों की संख्या समान संख्या में नहीं आए हैं, कुछ ज़िले से 8 से 10 खिलाड़ी आए हैं, तो किसी से 15 खिलाड़ी आए हैं, किसी से 45 खिलाड़ी आए हैं, अलग अलग जिलों से अलग।